नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत मौसम की खबरों के साथ करते हैं। पहाड़ों पर फाइनली बर्फ की बहार आ गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। देर शाम के बाद बर्फ गिरने का सिलसिला और भी तेज हो गया। ताजा तस्वीरें चमोली से आई है, औली की ये तस्वीर, जहां देर शाम भी बर्फबारी होती रही, लोग बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। औली पहुंचे सैलानी बहुत समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और अब बर्फबारी ने यहां पहुंचे सैलानियों के चेहरे पर खुशी ला दी है। उन्हें लग रहा है कि यहां आना अब सार्थक हुआ है। औली में इस बार सीजन में उतनी बर्फबारी हुई नहीं जितनी होनी चाहिए थी और अब जब बर्फबारी हो रही है तो लोगों के चेहरे खिल गए हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग भी इस वक्त खुश हैं। काफी इंतजार के बाद बुधवार को बाबा केदार के धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई। हालांकि इस साल केदारनाथ धाम बेहद कम बर्फबारी यहां देखने को मिली। पिछले साल धाम में इन दिनों 8 फीट तक बर्फबारी हो चुकी थी। बर्फबारी के बाद पूरा धाम सफेद चादर में लिपटा नजर आया। वहीं बर्फबारी होने के बाद केदारनाथ धाम में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। बद्रीनाथ की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। वहां पर भी हो रही है बर्फबारी और लगातार स्नोफॉल से नजारा बहुत ही खूबसूरत हो गया है। निचले इलाकों में भी बादल छाए हुए हैं। निचले स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में बारिश का लोग इंतजार कर रहे हैं। बद्रीनाथ की ये बेहद खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आ रही है। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बद्रीनाथ का ये मंदिर बेहद खूबसूरत दिख रहा है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई। काफी दिनों के बाद गंगोत्री में बर्फ गिरी है। वहीं बर्फबारी के बाद पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर में ढका है। बर्फबारी के बाद पूरी घाटी में ठंड और भी बढ़ गई है। दूसरी तरफ बर्फ गिरने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद कई जगहों पर बर्फबारी देखने को मिली। उत्तरकाशी के गंगोत्री यमुनोत्री धाम समेत मुखबा हर्षिल जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ ही बर्फबारी हुई है, जबकि जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे समूचे जिले में ठंड बढ़ गई। बारिश के कारण वातावरण में फैली धुंध भी काफी हद तक छंट गई है, जिससे आम लोगों ने अब राहत की सांस ली है। बुधवार सुबह मौसम ने करवट ली और गंगोत्री यमुनोत्री धाम समेत हर्षिल धराली मुखबा समेत आसपास की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर बर्फबारी देखने को मिली। निचले इलाकों में बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी भी हो रही है, जिससे किसान बहुत खुश हैं। लंबे इंतजार के बाद चकराता में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। जो बर्फबारी दिसंबर में होती थी वो जनवरी के अंतिम दिन हुई। बर्फबारी होने से होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों को भी इससे राहत मिली है। बर्फबारी से सेब आड़ू खुमानी की अच्छी पैदावार होती है। इलाके में लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार हो रहा था और फाइनली अब जब बर्फ गिरी है तो सैलानी, पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग और किसान सभी खुश हैं। कुछ अलग ही दिख रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है और बागवानी सब कुछ जो है सूखा पड़ा हुआ था और होटेलियर्स जितने भी है चकराता में और आपका पूरे उत्तराखंड में सबके चेहरे खिल चुके हैं, क्योंकि सीजन की पहली बर्फबारी है और जितने भी टूरिस्ट थे सब लोग बर्फ का ही इंतजार कर रहे थे। सारे टूरिस्ट प्लेस जो है खाली पड़े हुए थे। उत्तराखंड को आज पहली महिला चीफ सेक्रेटरी भी मिल गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दी, जिसके बाद 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी नई मुख्य सचिव बनी। उन्होंने उत्तराखंड की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
मुख्यमंत्री धामी के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड में इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में आईपीएस अफसर कंचन चौधरी भट्टाचार्य को राज्य पुलिस का मुखिया बनाया गया था और अब राधा रतूड़ी को नौकरशाही में सबसे बड़ी पोस्ट की जिम्मेदारी दी गई। राधा रतूड़ी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता यूसीसी को अच्छे तरीके से लागू करना है। उत्तराखंड के 23 सालों के सफर में आज पहली बार उत्तराखंड को पहली महिला मुख्य सचिव मिली हैं आईएएस राधा रतूड़ी जी। 1988 बैच की सीनियर आईएएस आप उत्तराखंड में रही हैं, वर्तमान में अपर मुख्य सचिव का मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल आप देख रहे थे। मैम आपको ढेर सारी बधाई न्यूज 18 की ओर से। निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है ये महिला सशक्तिकरण की ओर एक बहुत अच्छा कदम है। प्रदेश में ही जो महिला शक्ति है और जो महिलाओं के कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे प्रदेश में उसमें बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है महिलाओं में, और जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें भी महिलाओं के हित में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री जी का एक विजन है सरलीकरण समाधान निस्तारण और उससे जनता की संतुष्टि, तो इन्हीं मंत्रों पे हम लोग आगे कार्य करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है उसके साथ हम लोग पूरे सहयोग से ब्यूरोक्रेसी पूरे सहयोग से काम करेगी। आप थी राज्य की पहली मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, आपने बताया कि जिस तरह से उनका एक लंबा सफर रहा है मुख्य सचिव बनने तक, साथ ही साथ वो कहते हैं कि जो उनका अगला टारगेट होगा कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा वो इस दिशा में पूरी तरह से काम करेंगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम हेल्पलाइन 1905 और इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन के कंट्रोल रूम से अल्मोड़ा निवासी लाल सिंह की समस्या सुनी। उन्होंने डीएम अल्मोड़ा को निर्देश दिया कि शिकायत का जल्द ही समाधान किया जाए। लाल सिंह ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी कि खाद्य विभाग ने बिना किसी जानकारी के उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया है। वहीं तुरंत ही इसका असर भी हुआ, लाल सिंह की समस्या का तुरंत समाधान हुआ, जिस पर उन्होंने सीएम धामी को धन्यवाद कहा। उत्तराखंड में हर लोकसभा सीट बीजेपी 3 से 4 लाख वोट के अंतर से जीतेगी, ये दावा है बीजेपी के लोकसभा चुनाव के प्रभारी दुष्यंत गौतम का। उन्होंने कहा कि मोदी जी का नाम है और मोदी जी का संकल्प उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरा कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा से बीजेपी की प्राथमिकता थी, वो देश में वोट बैंक और मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन अब उत्तराखंड से शुरुआत हो रही है और जल्द ही पूरे देश में यूसीसी लागू किया जाएगा। पांच लोकसभा हैं यहां पर और हमने संकल्प भी लिया है कि पांचों लोकसभा भारी बहुमत से जीतेंगे। करीब करीब हमें लगता है कि 3-4 लाख से ऊपर से सारी लोकसभा को हम जीतेंगे। यूसीसी हमारे सभी देश के प्रमुख नेताओं की आजादी के बाद से प्राथमिकता थी, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण नहीं कर पाए। देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारा नेतृत्व आज संकल्पित है, उससे आज उत्तराखंड से दिशा मिलेगी। बीते दिनों कई कांग्रेस नेता लोकसभा चुनाव से बचते नजर आए तो कई ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहीं लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने ऐसे योद्धा को गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहिए जिनका गढ़वाल की 30 विधानसभाओं में प्रभाव है। आखिर उनका ये योद्धा कब काम आएगा? कांग्रेस ने तो लड़ाई से ही पहले हार मान ली और उनके कैंडिडेट कहने लगे हैं कि हमारा बस का ये चुनाव लड़ना नहीं है। मेरा तो केवल कांग्रेस को ये सलाह है कि उनके पास एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी 30 विधानसभा में प्रभाव दुष्प्रभाव दोनों हैं,
तो मैं समझता हूं कि उनको ही लोकसभा गढ़वाल में चुनाव लड़ाएं तो अपना योद्धा कब काम आएगा, तो इसलिए उनको उसी को चुनाव लड़ाना चाहिए। इधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिन पर आज देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी समेत कई नेता और अधिकारी उन्हें बधाई देने पहुंचे, तो वो उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी जन्मदिन मनाया। गणेश जोशी ने इसके लिए सभी का आभार जताया। भोले बाबा का आशीर्वाद लेकर जिससे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री, कई विधायक, कई दायित्वधारी, कई और जिम्मेदार हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के अध्यक्ष, वो मेरे क्षेत्र की महान जनता वहां पर आई और वो सेवा सप्ताह जो उसका समापन हुआ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बुधवार को रुड़की दौरे पर रहे, जहां गांव चलो अभियान में कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, बूथ स्तर को कैसे मजबूत की जाए, इस पर बात हुई है। साथ ही गांव में प्रवास में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के समक्ष रखेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र बनाना, इसको लेकर भी सुझाव मांगे जाएंगे। गांव के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ना ये लक्ष्य है बीजेपी का, ये बातें कही। इस बार लोकसभा के प्रत्येक बूथ को हम जीतेंगे। उस दिन हमने अपने मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, हमारे सारे सांसद, विधायक और उससे नीचे तक की हमारी टोली, प्रत्येक 11,000 से ऊपर हमारे पोलिंग बूथ हैं, 11,700 समथिंग पोलिंग बूथ हैं। हम प्रत्येक बूथ पर 24 घंटे के अंदर कार्यकर्ता भेजने वाले हैं। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर लोकसभा के लिए 5 अलग ऑफिस तैयार किए हैं, जिनमें टिहरी सीट का ऑफिस देहरादून, हरिद्वार सीट का ऑफिस हरिद्वार, पौड़ी का श्रीनगर में, अल्मोड़ा सीट का ऑफिस अल्मोड़ा में, तो नैनीताल सीट का ऑफिस रुद्रपुर में बनाया गया। गुरुवार से इन 5 ऑफिस में बीजेपी की चुनावी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बीजेपी के प्रभारी से लेकर पार्टी अध्यक्ष यहां मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के जो 5 लोकसभाओं के चुनाव कार्यालय हैं, उनका उद्घाटन प्रातः 10 बजे हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।